अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। आज फिर आपकी खिदमत में सायरा हाजिर हो गई। काफ़ी दिनों के बाद मैं, मतलब एक वीक हो गया है, लग भी रहा होगा मेरा लिप्स भी और मेरे नोज़ भी, मतलब यहाँ पे फ्लू जब होता है ना, फ्लू बुखार, फ्लू बहुत गंदा हो जाता है। मतलब अपना टाइम लेके ठीक होता है, चाहे आप दवाइयाँ खाओ चाहे कुछ भी हो। चलो, ये तो सब होता ही रहता है, क्योंकि जब वेदर चेंज होते हैं ना तो सब लोग बीमार होते हैं, ठीक होते हैं। अच्छा, मैं अभी बनाने लगी हूँ शलजम गोश्त, जिसको पंजाबी में गोंगलू गोश्त कहते हैं, और साथ में वाइट राइस। पानी मैंने ऑलरेडी उबलने के लिए रख दिया, वह आई थिंक उबल गया है। उसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, और ये प्रेशर कुकर में साइड पे मैं ना ओनली सिर्फ शलजम रखूँगी, क्योंकि ये ना अच्छी तरह ज़रा गल जाएंगे तो फिर मैं गोश्त में शामिल करूँगी। गोश्त भी मैंने रख दिया है, मतलब पानी डाल के रखा है। अभी ये लैम का गोश्त है और शलजम मैं काट रही है, देखें बस एक ही रह गया। बाकी मैंने काफ़ी काट के उसके अंदर ऑलरेडी मैंने इसमें डाले हैं, ये देख लें, क्योंकि थोड़ी वेजिटेबल ज़्यादा भी हो जाए। साइड पर ये पक रहे हैं, सॉरी थोड़ी हो रहा है आवाज़। मैं इधर शलजम काट रही थी साइड पे, मैंने कहा बस ऑलरेडी काट के रखी हुई थी। एक्चुअली मैं लेके आई, थोड़े मुझे लगे ज़्यादा आ गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्ज़ी तो फिर भी खाई जाएगी। और काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ ये शलजम गोश्त। जी बेटा, बहुत ये बड़े अच्छे लगते हैं उसके साथ, वाइट राइस के साथ। और मुझे लगता है पानी उबल गया, भी डाल देती हूँ मैं। और आज मेरा वैसे ही बड़ा ही दिल कर रहा था, कुछ ना किसी से सुन रही थी तो मैंने कहा नहीं, मैं भी कुछ बना के खाती हूँ। मुझे भी ना शलजम गोश्त बहुत पसंद है। तो ये उबलता रहेंगे और साइड पे मैं शलजम काट रही हूँ। ओके, यानी कि मैंने ना ये मीट चढ़ा दिया था पानी डाल के। अब इसी के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ, जब भी मैं गोश्त बनाती हूँ ना तो मैं सब कुछ इकट्ठा ही डाल देती हूँ। और गोश्त डाल दिया, पानी थोड़ा सा डाला है, और ये टमाटर भी डाल रही हूँ साथ में, जी नमक मिर्च, और ये पिंक सॉल्ट है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने कभी पिंक सॉल्ट यूज़ नहीं किया, इसीलिए मैं इतना ही डाल रही हूँ। तो अगर टेस्ट में थोड़ा मुझे कम लगा तो ज़ाहिर है नमक मिर्च जो भी आप अपने हिसाब के मुताबिक ही डालते हो, लेकिन मैं सूखा धनिया थोड़ा डाल रही हूँ। ये सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मैं हर खाने में नहीं डालती, बस किसी किसी में थोड़ा बहुत डाल देती। चले, ये सारे नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया, तो बस ये भी डाल दिया। लो जी, और ये मेरे दो या तीन अनियन है, ये सारे हो गए। अभी नमक मिर्च भी डाल दिया, टमाटर प्याज एंड सब कुछ डाल के, और अभी मैं इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दूंगी और ये खुद ही फिर पकता रहेगा। और उस साइड पे मैं शलजम भी रख दूंगी, और शलजम भी साथ में होते जाएंगे। अभी तो मैं शलजम काट रही हूँ ना, अब मैं इसको इधर ही रख दूँगी। अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो गया ना, तो इसी वजह से ना गर्मी लगती है ना, लोग बाहर निकलते हैं हम लोग भी, तो उसी वजह से सब बीमार हो जाते हैं, एकदम सर्दी हो जाती है। और मुझे वैसे भी सर्दी ज़्यादा लगती है, और गर्मी जब लगती है तो गर्मियाँ भी जब आएंगी तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है, किस किस को शलजम गोश्त पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन वैसे मैं बना काफ़ी टाइम के बाद रही हूँ, साथ साथ खा रही हूँ, क्योंकि प्रेशर ही लगाना है मुझे। वैसे आइडिया कोई नहीं, मैं तो पहले ऐसे ही बना लेते थे हम लोग, तो मैंने कहा चलो प्रेशर लगा देती हूँ, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे ना। और जब मेरी अम्मी पकाते थे हम लोग, तो वो तो काटते थे हम लोग, साथ साथ खाते भी थे। ये ऐसे भी खाने में कितने मज़ेदार लगते हैं ना। जब मैं छोटी थी तो मेरी जो पुप्पो समनाबाद में रहती थी, जो पुप्पो वगैरह जो मेरी बड़ी पुप्पी ना, वो बनाती थी, उन्होंने लेके आना। और मतलब ये ज़्यादातर सर्दियों में हो ना, तो हम लोग धूप में बैठ के वो काटती जाती थी, और साथ साथ हम लोग खाते थे। तो वो कहती थी,
कि मैं जितनी सब्जी लेके आती हूँ, मतलब शलजम लेके आती हूँ, घुंगलू लेके आती हूँ, तुम लोगों को आधे खा जाते हो, क्योंकि ये बहुत मजेदार लगते हैं ना ऐसे खाने में भी। अभी तो मेरे घर वाले भी देखते रहेंगे, आप भी बोलोगे। एक्चुअली जब आप कुछ ऐसा कुछ करते हो, जब आपको आपकी माँ याद आती है या पप्पो याद आती है, तो आप जाहिर है उनका उनकी बात तो करनी बनती है ना। और मेरा पुकिंग के साथ और मेरे पुकिंग सिस्टर के साथ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, पूरी फैमिली का गुजरा है, लेकिन मेरा ज़्यादा ही गुजरा टाइम। मुझे बड़ा अच्छा लगता था अपनी पुप्पो के साथ जाके रहना बैठना, और हैं भी बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। चले जी ये तुम कट गए। अब प्रेशर कुकर में मैं पहली दफ़ा, मेरा तजर्बा है इनको लगाने का, अल्लाह ताला ये सही होए। मैं इसको सीधे हाथ से पकड़ा हुआ इस, चलो जी सीधे हाथ से जानते हैं। थोड़ा पानी इसमें डाल के ना फिर इनको लगा देती हूँ। इन्होंने जब पक जाना तो फिर थोड़ा सा थोड़े लगते हैं ना, ज़्यादा नहीं होते जी इतने। एक ही गिलास काफ़ी हुई, चलो देखिए ये भी हो रहा है। जैसे कि आपने देखा ना मेरे नमक, मिर्च, टमाटर, ऑयल, प्याज, ओह अभी गाली जिंजर का पेस्ट डालना है। लोग कहते हैं ना कि जी एवरी डेली वीक में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा किचन की सफाइयाँ होती हैं, यहाँ तो डेली है। अब यकीन करें कल नहीं परसों मैंने सारे कैबिनों की सफाइयाँ की, और ये चूल्हा सारा साफ किया। एवरी डे होता है ये, तो मैं सोने के टाइम चूल्हा क्लीन किया, इतना लाइट फील हो रहा था मुझे, मैं अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। जब किचन प्रॉपर क्लीन हो जाता है ना, बेसन वगैरह हर एक चीज़ अपनी जगह पर दिए, तो और आपका वॉशरूम क्लीन होए, किचन क्लीन होए और बेडरूम सेट होए, तो बस 2-3 टेबल स्पून डाल। चलो ये तो हो गया, मैंने पास इतना है क्योंकि ये लैम में जल्दी गल जाता है, इसलिए मैंने टू मच पानी नहीं डाला। अभी ये देखेंगे इसको ड्राई होएगा, फिर इसकी बुनाई होएगी अच्छी तरह। चलो ये भी हो गया। शलजम गोश्त अभी तो मैं नहीं खा रही थी, लेकिन मैं जब पहले आपने नहीं देखा, जो मैंने पहले ऑलरेडी काट के वो पतीली में डाल दी थी ना प्रेशर कुकर में, मैंने ऑलरेडी साथ साथ काट भी रही थी, खा भी रही थी, इसलिए मैं कह रही मुझे लग रहा था पेट फुल कर रहा है और था। और मैं खाती खाती मैंने फिर रोक दी, मैंने कहा इस टाइम मैं खा लूँगी तो फिर मैं खाना क्या खाऊंगी। अब इनको भी इसको थोड़ा देखो, थोड़ा सा मैंने ना इसको मतलब कम नहीं रखा हुआ, ज़्यादा आग थोड़ी तेज़ ही है, क्योंकि ये तो मतलब लैम का गोश्त जल्दी जल जाता है। नमक मिर्च जो चीज़ें आप डालनी होती हैं उनको अपने हिसाब से आपने डालनी होती है। चलो जी राइस भी हो गए, चलो जी शुक्र लग ये राइस हो गए, राइस उधर हो जाएंगे और ये इधर होता है। चलो ये भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं काम से। अभी एक घंटे बाहर पे आया तो मुझे अचानक से देखने जाना पड़ गया, तो मैं वही बात कर रही थी कि उस दिन हम लोगों ने जो मतलब मुर्ग चने थे बहुत टेस्टी बने थे, आप भी बना के खाइएगा। और अभी मैं बना रही हूँ जो शलजम गोश्त, जब पक जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगी कैसे टेस्ट है इसका, कैसा बना है। जाहिर है आप लोग भी, सब लोग बनाते हैं। और अच्छा मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये ग्रेवी वाले भी बनाते हैं पानी वाले, आई थिंक मेरा ख्याल है हाँ शलजम मतलब मोटे वाले काट गए, जैसे कि हम लोग टींडे गोश्त बनाते हैं, टींडे गोश्त ज़्यादा मुझे टींडे गोश्त भी नहीं बनाऊँगी, वो मुझे बहुत अच्छे से लगते हैं। जैसे कि आलू गोश्त होते हैं हम लोग टींडे गोश्त भी बनाते हैं, तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं वो भी। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ये शलजम भी देखे ऐसे पकाते हुए ग्रेवी वाले देखा है, बहुत ट्राई वाले, लेकिन मैंने खाए नहीं थे, क्योंकि मैंने तो हमेशा ऐसे ही खाए हैं, या तो मैं रोटी के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं चावल के साथ ही खाऊँगी। मुझे चावल से ज़्यादा ना जब तक मैं रोटी नहीं ना खाती तो लगता ही नहीं कि पेट फूल है, लेकिन आज तो सिर्फ चावल ही खाएंगे। या मैं ऑनलाइन भी देख, ऑनलाइन तो खैर मुझे वैसे ही बिल्कुल ही नहीं पसंद है ऑनलाइन कोई भी चीज़ें लेना,
समटाइम मैं ले लेती हूँ, लेकिन मुझे ना जाके चीज़ देख के फिर ही मुझे सर अच्छा लगता है, पता भी चलता है चाहे वो कपड़े क्यों ना। अभी मैं इसको देख रही हूँ, मैंने बुनाई अभी नहीं, इसमें भी है टाइम। तो ये जैसे होते हैं ना शलजम भी, मतलब अगर वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखें ना, ये इसमें पानी है ना, और मीट तो सॉफ्ट हो जाएगा साथ साथ ही। हाँ अच्छा, खाना मुझे खाना गर्म अच्छा लगता है, मतलब गर्म गर्म खाना, सालन अलग होता तो बहुत गर्म है, मुझे गर्म ही अच्छा लगता है खाना, मुझे चाय भी गर्म अच्छी लगती है। चले अभी इनको होने देते हैं, मेरी नमाज का टाइम हो गया है और मैं ऑलरेडी वुजू करके तैयार हुई थी, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उतनी देर ये भी हो रहे हैं, वो शलजम भी हो रहे हैं, राइस बॉयल हो चुके हुए हैं, तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ नमाज के बाद। नमाज पढ़ के मैं फारिग हो गई हूँ, प्रेशर कुकर भी लगा हुआ है, अभी मैं उनको उसको भी बंद करके देखती हूँ, वो सॉफ्ट हो गए होंगे, और राइस को भी मैंने दम लगा दिया था, राइस में ये देखें राइस हो गए हैं, ये मैंने आपको बताया कि लैला बासमती उसके ब्लैक वाला पैकेट है जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, देखो कितने अच्छे राइस हैं, अब अकेले अकेले हो गए, ये राइस तो हो गए, अब इनको मैं ना साइड पे कर देती हूँ उधर, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी मुझे, वरना तो बस दो चीज़ें रख दो ना। हाँ जी चलिए अब देखें इसकी मैं बुनाई करने लगी हूँ, और कितना अच्छा बुन गया, और अभी आप यकीन करें जैसे कि मैंने नमाज पढ़ने के बाद आई हूँ ना, कैमरा ऑन करने से पहले मैंने ना टेस्ट किया, नमक मेरे बिल्कुल ठीक है, और ये पिंक सॉल्ट में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अगर मेरे पास अभी देसी घी नहीं है, अगर मैं देसी घी होता ना तो मैं दो टेबल स्पून उसको मतलब पूरा देसी घी में अगर नहीं बनाना, दो टेबल स्पून आप साइड पर गर्म करके पकाने के बाद आप डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस इसकी आप थोड़ी सी बनाई होगी, अब मैं उसको देखती हूँ वो कहाँ तक पहुँच जाती है, उसको भी मुझे ना मिक्स करना अच्छी तरह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, कैमरा इधर लेके ये देखिए जी, और मिठे भी मुझे बहुत भी अच्छी तरह गल गए, ये देखिए मिठे ही अल्लाह, मुझे बड़ी भूख लग रही है मिठे भी देगी माशाल्लाह। और अभी मैं इसको क्या करूँ, ओपन कर दूँ जो स्टीम में है, चले अब इसको मैं देखती हूँ हो गए, हाँ जी गल तो गए, इसकी चम्मच से चेक कर लेती हूँ, हाँ क्योंकि मुझे प्रॉपर इसको पीस के डालना है, और अभी मैं इसको पीसती हूँ, पीस के मिक्स करके पहले मैं इधर ही देखूँ, ये देखें हांडी मेरी अच्छी तरह बन गई है, खाना बिल्कुल सही वाली बुनाई हो गई है, गोश्त की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हमेशा से गोश्त सब कुछ मसाले वसाले डाल के कच्चे पका लो, आलू डालने हैं कुछ भी सब्जी डालनी है तो बाद में आप ऐड करो, आज तो गर्म गोलू गोश्त बन गया ना, घिया गोश्त बनाऊँगी किसी दिन बाद में, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको काफ़ी देर से मैं इसको ना पीस रही हूँ, मैं क्या आप कहेंगे सारा क्या कुटकुटी का लगा हुआ है, इतना टाइम हो गया है, मैंने कहा चलो मैं शॉर्ट दिखाती हूँ आपको, ये देखें मैंने कितना मिक्स किया है, और लग रहा है जैसे गोंगलुओं का हलवा बन गया, हलवा नहीं ये इसकी तरह पीस के ही डालना होता है, आप लोग भी ऐसे बनाएं और खाएं बहुत टेस्टी बनते हैं। खैर मैंने तो कभी ग्रेवी वाले नहीं खाए, जो लोग वो जो लोग मतलब उन ऐसे बनाते होंगे ना ग्रेवी वाले, उनको वैसे अच्छे लगते होंगे। अभी मैं इसको मीट के साथ डालने लगी हूँ, अगर मैं प्रेशर ना डालती तो वैसे मसाले में डाल देती तो फिर मुझे सारा गोश्त निकालना पड़ना था, तो फिर उसने मसाले में पकते रहना था, फिर टू मच टाइम ही रहना था, क्योंकि गोश्त नहीं मैं लगाती प्रेशर कुकर में, वो टेस्ट नहीं आता, जल्दी जल्दी पक जाना होता। ये देखा कितने अच्छा अच्छी तरह मिक्स हो गया, अभी मैं इसको इसके अंदर डालने लगी हूँ, बस नहीं है ना,
चलें देखो कितना थोड़ा सा हो जाता है पापी का, ऐसा रहता है पता नहीं कितना ज़्यादा हो जाएगा जब काटते हैं सब्जी वगैरह। मैंने कहा पहले मैं चिकन मिक्स कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मैं बाद में देखा कितना मज़ेदार लग रहा है और गोंगलों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मेरा ख्याल है मेरे बेटे को तो वारिस को तो याद भी नहीं होगा इसने कब खाए होंगे। मैं भी काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, खुद तो काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ लेकिन घर जाके पाकिस्तान तो खाए हुए हैं, वहाँ तो बन जाती माशाल्लाह जो भी मतलब सब्ज़ी आती है हिसाब से बनती है, थोड़ा थोड़ा ये है ना लेकिन बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया अल्लाह का शुक्र है, जो रह जाएगा वो भी साथ साथ ही रहेंगे। लेकिन ऐसे मैं अभी तो गोश्त भी है ना ऐसे कर 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 करके मेरा बाजू थक गया, लेकिन मुझे था कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए ये गोंगली गोश्त। अभी आप इसको देखें, ये देखें सारा का कमाल। चले ये देखें इसको मैं कम से कम 10 मिनट भूनूंगी, माशाल्लाह खाना ऑलरेडी काफ़ी भुना हुआ है, ये प्रेशर में पक गया हुआ है और भूख भी इस वक्त मेरे अब दिमाग को चढ़ गई है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो इसको मैं पका के फिर उधर से बैठ के आराम से हम आप मिलके खाएंगे। और बस मैंने धनिया हरी मिर्चें भी काट के रखी हुई है, मैंने कहा चले मैं आपको प्रॉपर दिखा दूँ शलजम मिक्स करते हुए, बस मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, हालांकि प्रेशर भी लगाया मैंने फिर भी उसको ना मिक्स करना होता है। कैमरा मैंने इस तरफ किया हुआ है क्योंकि बातें तो मेरी आपके साथ हो ही रही हैं साथ में। अभी मैं इसमें धनिया डालने लगी हूँ और हरी मिर्च है, हर चीज़ में मतलब खाने में होना ज़रूरी है। चलो जी सारा दिन ठीक हो गया अच्छी तरह, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक थी। एक्चुअली तो खाना पका पका के आइडिया हो जाता है आपको कि कितनी नमक है कितना मिर्च है, नमक का थोड़ा होता है बस कि थोड़ा कम हो जाए तो आप डाल दो, ऑयल भी सब ठीक है। अगर देसी घी होता है ना अभी इस हालत में जो अभी इसकी पोजीशन है ना खाने की, तो 2 टेबल स्पून मैं देसी घी के अलहदा से गर्म करती और इसके ऊपर तड़के की तरह डाल देती, वो इतनी अच्छी खुशबू होती है ना। चलो जी खाना रेडी हो गया है, चलें फिर मैं आपको वहाँ टेबल पर चल के मिलते हैं और साथ में खाना खाते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं। चलें अभी मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। बार बार भी इसकी ना रिंग लाइट, मैंने पहले भी बोला खराब, ये आगे लेके दिखाना था बाइट लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले मैंने अपने बेटे को बोला तुम बाइट देखा, अब मैं खा के बताऊं, मैं आपको खा के बताती हूँ कि सहरा ने कैसा बनाया पहले पानी पीऊं अभी ये मैं खाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टाइम के बाद खाया और वो भी खुद बना के बहुत टेस्टी बना है, और बस मैं बस आपको यही कह सकती हूँ बहुत टेस्टी बना है और बहुत अच्छा बना है।
आप लोग भी बनाएं और अच्छी तरह मिक्स करके नमक मिर्च जो भी जैसे आप लोगों के टेस्ट के मुताबिक, कुछ लोग कम खाते हैं तो मुझे को बोला कि चार रीको से गोकुल में चला गया। खाओ है बेटा। वैसे भी पाकिस्तान लाहौर में सबको बहुत पसंद है जी, हर किसी को ये शलजम गोश्त, बोंगलो गोश्त, साथ में चावल बहुत अच्छे बने हैं। बार बार कह रही हूँ आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी खाएं। मेरे में इख्तियार में हुए तो मैं आपको खुद बना के खिला दूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे बहुत सी दुआओं के साथ। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दिली नेक ख्वाहिशें पूरी करें। और जो मुझे अभी देखने के दौरान भी परेशान है किसी किस्म की वजह से भी, अल्लाह ताला मेरी दिली दुआएं कि उनकी परेशानियां दूर हों, दिली दुआएं कबूल हों, नेक दुआएं। जिनके बच्चों की, बच्चियों के, रिश्तों की प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला वो भी सॉल्व करें। जिनको जॉब की, पैसों की, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला आपकी हर नेक ख्वाहिशें पूरी करें। और प्लीज़ अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। इसी के साथ सारा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।